पांच मैचों की वनडे सीरीज के बाद आज भारत और श्रीलंका के बीच प्रेमदासा स्टेडियम में T20 मैच खेला गया। श्रीलंका इस मैच को जीतकर अपने जख्म पर मरहम लगाना चाहता था, वहीं भारत इस मैच को जीतकर श्रीलंका दौरे का एंड भी जीत के साथ करना चाहता था। भारत ने टॉस जीतकर श्रीलंका को बैटिंग का न्योता दिया। श्रीलंका ने दिलशान मुनावीरा के 53 और प्रियंजन की 40 रनों की पारी की बदौलत 20 ओवर में 7 विकेट पर 170 रन बनाए। भारत की ओर से चहल ने 43 रन देकर 3 विकेट लिए। कुलदीप यादव ने उनका भरपूर साथ दिया और 20 रन देकर 2 विकेट लिए। भारत की शुरुआत खराब रही और उसने अपने दोनों ओपनर 42 रन पर ही गंवा दिए। एक पल को ऐसा लगा कि मैच श्रीलंका की मुट्ठी में आ गया है, लेकिन कप्तान विराट कोहली के पिच पर आते ही मैच का पासा पलटने लगा। विराट कोहली ने एक छक्के और 7 चौकों की मदद से 82 रनों की बेहतरीन इनिंग खेली। दूसरे छोर पर मनीष पांडे ने उनका पूरा साथ दिया और 51 रन की नाबाद पारी खेलकर इंडियन टीम को जीत तक पहुंचा दिया। इस तरह भारत ने 3 विकेट खोकर 19.2 ओवर्स में 174 रन बनाकर श्रीलंका दौरे का ये आखिरी मैच भी अपने नाम कर लिया। विराट कोहली को मैन ऑफ द मैच चुना गया। श्रीलंका दौरे पर आई इंडियन क्रिकेट टीम ने आज एक नया रिकॉर्ड बनाया। भारत ने 3 टेस्ट, 5 वनडे और 1 T20 मैच जीतकर श्रीलंका का सूपड़ा साफ कर दिया। भारतीय टीम ने इससे पहले कभी भी अपने विदेशी दौरे के सारे मैच नहीं जीते थे। Congratulations, Team India!